कृषक मेला में पहुंची सांसद रायगढ़ घूमती सात। मेले में भाग लेने वाले कृषकों का उत्साह बढ़ा है। कहा जैविक तरीके को अपनाकर परंपरागत खेती करें किसान। आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बोईर दादर में आज एक किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए किसानों ने भाग लिया और अपने अपने कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। इस मौके पर जिले भर से आए कृषक उत्पादक समूह के सदस्यों ने अपना अपना स्टॉल लगाकर जवाफूल, दुबरा चावल के अलावा घेरलू और डेयरी और पशु उत्पादों के नमूने सहित लाल झुंगा, बड़ी सेमी और कुछ लाभकारी वनोपजों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जिले के किसानों को रासायनिक खेती की जगह आधुनिक तरीकों से जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया। किसानों द्वारा जैविक खेती से तैयार की गई फसल, जिसमें अनाज हरी सब्जियों को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया। किसान मेला का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि एवं सांसद गोमती साय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज किसान कहे कि भारत देश किसानों का देश है और किसान का मतलब उन्नति ही देश का उन्नति है। इसीलिए हमारे किसानों का हौसला अफजाई और ये का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो प्रतिज्ञा है और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का कि किसानों की आय दोगुनी करना है, सशक्त किसान सशक्त भारत हो, इस विषय को लेकर के आज पूरा भारत देश में किसान मेला के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में आज पूरे भारत देश में हम लोग मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह संकल्प है कि भारत देश को उन्नत बनाने के लिए किसानों की आय दोगुनी करनी जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कई लाभकारी किसान योजनाएं लागू की गई हैं। बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखता है और हमारा जो प्रोडक्ट है वह देसी धान जो आजकल विलुप्त हो जाते हैं, वो देसी धान ला हम संरक्षित करके जीवा जिंदा रखे हैं और अपन प्रयोग करथन, जैविक विधि में प्रयोग करथन, वाला अपन खेती करथन और अपन घर परिवार समाज भर देश भर हमने एक मार्केटिंग भी करत हन। जो अनाज हमारे स्टॉल में किसान दिवस स्टॉल में लगाए हन, इसमें बहुत सारे गुण है जो आजकल जो HMT चावल खाथन और जो दूसरा भी खाथन उसमें जो पौष्टिक तत्व रहते वो नहीं रहे, जिन हमारे देसी धान में जो विटामिन रहते, प्रोटीन रहते, जिंक रहते, ये आजकल कमी के कारण बहुत सारे बीमारी अपन जवान भाई वाला भी हो जाते। ये सब चीज़ हम बता थन किसान वाला और स्टॉल के माध्यम से पूरा जिला के किसान मना के हमारे उपयोग करते हैं, देखते हैं, जिनमें विशेष रूप से है ब्लैक राइस, रेड राइस, ग्रीन राइस, झीली धान, एमन बहुत ही पौष्टिक तत्व है, एमन में जिंक है भी, राइस है, प्रोटीन राइस भी है। तो ऐसे किसान भाइयों को चाहिए कि वे रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को भली भांति समझ चुके हैं, अतः सभी कृषक जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं ताकि लुप्त हो चुके परंपरागत फसलों के बीच जिन्हें देश के कृषि वैज्ञानिकों ने परिष्कृत किया है उसका उपयोग कर अपनी आमदनी को दुगना करें। ये आज जो हम प्रोडक्ट यहाँ लगाए हैं वो जैविक उत्पाद है, पौधों के लिए है, ये जो वर्तमान में रासायनिक डाल करके है ना केमिकल युक्त जो मैंने खेती कर रहे हैं उससे प्रकृति को हानि, मानव को हानि, पशु पक्षी को हानि पहुँच रही है, तो उस जो ह्रास या हानि है उससे किस तरह से हम मुक्ति पा सकें, तो उसके लिए विकल्प है ये जैविक कृषि। जैविक कृषि जो आसपास के उत्पादों से ही ये बनाई जाती है, तो इसमें मेरा दो विधि है, एक डीकम्पोजर के द्वारा कंपोजिंग करके बनाती हूँ और दूसरा है गौमूत्र द्वारा। तो गौमूत्र जो गौमूत्र के लायक होता है उसको गौमूत्र से बनाते हैं और जो कंपोजिंग का होता है उसको डिकम्पोजर से बनाते हैं। किसान मेले में उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी कृषकों को जैविक खाद बनाने की विधि विस्तार से बताई, साथ ही कृषकों को जैविक खेती अपनाने के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन एवं उद्यानिकी फसलों को अपनाने का आग्रह किया। उनका कहना था कि इन सभी फसलों को अपनाकर कृषक दुगुनी आय अर्जित कर सकता है। इसके लिए शासन अनेक कल्याणकारी योजनाएं चालू किए हैं, किसान इससे जुड़कर इसका फायदा लें। रायगढ़ से राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।